बात बताऊं, एक एक बाइट जैसे मेरे अंदर जा रही है ना पेट में, मैग्डी वालों के लिए दुआ निकल रही है, क्योंकि पिंक ग्रीन येलो सब कलर रखे हैं चौधरी साहब की। तो भैया 2-3 मिनट रुका और फिर आ गया, क्योंकि मेरी तो कुकड़ी जमने लगी यार। साहब बुद्धि घुमाने वाले रिजल्ट आए भाई साहब, बुद्धि घूम जाएगी आपकी। मतलब मैं तो 2 मिनट को सदमे में चला गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। सो हे गुड इवनिंग एवरीवन, आज है क्या है आज डेट होगी ना यार डेट। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आज है डेट 24th फेब और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड की एक मैरिज में मुरादाबाद फ्रॉम वैशाली। तो मेरा ऐसे मतलब मैं चलते चलते मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आज चेक किया जाए, क्योंकि मैंने जनरली सुना है मारुति इतना एवरेज देती है सीएनजी में, इतना एवरेज देती है, बहुत ज्यादा देती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी आज होंडा ब्रियो का टेस्ट करता हूँ कि सीएनजी में कितना माइलेज ये निकालती है हाईवे पे। और एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, मतलब यार ये आफ्टर मार्केट है ठीक है, जो मैंने सीएनजी फिट कराई है, क्योंकि मैंने लास्ट नवंबर 2021 में कराई थी। अगर आप जानते होंगे एक यूट्यूब पे उनका चैनल भी है, जो भी उस्ताद करके नाम है उनका, तो उनसे ही मैंने सीएनजी किट फिट कराई थी। ऑल दो 1.5 ईयर होने वाला है मेरा एक्सपीरियंस जो है, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा कैसे एक्सपीरियंस रहा, अभी तक गाड़ी कैसी चल रही है, वो सब भी मैं पॉइंट कवर कर दूंगा। बट मैंने सोचा क्यों ना आज एक एवरेज निकाल के देखते हैं कि कितना एवरेज हमारी गाड़ी देगी। और मैंने एक चीज और सोची, जनरली मैं कभी चलाता नहीं हूं, बट आज मैं कोशिश करूंगा कि गाड़ी 80 के आसपास क्रूज करूंगा ठीक है। और मुरादाबाद मेरे जहां से मैंने सीएनजी फिल कराई है वहां से ऑलमोस्ट 151 किलोमीटर है जिस लोकेशन पे मुझे जाना है, तो ऑलमोस्ट 302 किलोमीटर पड़ेगा आना जाना ठीक है। मैं अभी आपको मीटर में भी रीडिंग दिखा देता हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि कितना अभी एग्जैक्ट एवरेज निकाल रही है गाड़ी ठीक है, और मैं कितने किलोमीटर आ गया हूँ। और लास्ट में जब सीएनजी पंप पे हम पहुंचेंगे तो फिर मैं ये कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि कितने किलोमीटर इसने एक सिलेंडर में निकाला है, आई मीन मतलब कितनी टोटल गैस में कितने किलोमीटर चली है। तो चलो फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मीटर की रीडिंग और कितने और पूरे रास्ते पे कि कितनी स्पीड में मेंटेन करके चलता हूँ। तो चलो आ जाओ। सो अभी आप देख सकते हो कि गाड़ी 19.3 का एवरेज निकाल रही है और मैं अभी तक 80 तक क्रूज कर रहा था, अभी मैंने 60 पे किए और मैं आपको दिखाऊं मैं कितने किलोमीटर चल के आ चुका हूं अभी तक। मैं अभी तक आ चुका हूं ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर। तो मैंने जहां से सीएनजी फिल कराई थी वहां से अपनी मीटर को जीरो कर दिया था सो दैट मैं चेक कर पाऊं कि कितने किलोमीटर मेरा आना जाना एग्जैक्ट पड़ा है। तो चलो अब ये जो है देखते हैं, अगर 19 से ऊपर जाता है ठीक है तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखो 19.3 हो गया है और 80 ही मैं स्पीड कोशिश करूंगा कि मैं 80 ही मेंटेन करके चलूं। हाईवे अच्छा है, 100 की लिमिट अलाउड है ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि 80 पे कितना एवरेज निकालेगी वो मैं एक बार देखना चाहता हूं। एसी अभी बंद है ठीक है, एसी मैंने ऑन नहीं की है, होपफुली अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे ऑन करूंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे मिलता हूं। मुरादाबाद 120 किलोमीटर दिखा रहा है बट मेरी जो लोकेशन है वो शायद कम होगी ठीक है, तो देखते हैं। बढ़िया हाईवे है और हम अभी 80 इसको सेट कर लेते हैं पहले। यस 80 तक पहुंच गए हैं और 80 ही मेंटेन करके चलेंगे। तो चलो चलते हैं और देखते हैं आज की होंडा कितना एवरेज निकालती है आफ्टर मार्केट सीएनजी किट में। सो जी अभी आप देखोगे तो मतलब मैं बहुत टाइम से ना 80 मेंटेन करके चल रहा था, तो ये 19.5 तक भी आई थी बट अभी मैंने थोड़ा सा खींचा गाड़ी को तो 19.3 पे आ गया है। और अभी टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है वो 62.7 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 63 किलोमीटर कवर कर लिया है और अभी भी 87 किलोमीटर बचा हुआ है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 80 ही मेंटेन करके चलूँ सो दैट कि मैं देख पाऊँ कि एक मतलब अगर लाइट फुट आप चलते हो तो कितना एवरेज निकल के आता है सीएनजी पे होंडा कार में।
तो चलो आप इस वीडियो में एक भी मिनट मिस मत करना, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके साथ एक कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करना, एक तो आफ्टर मार्केट सीएनजी का, और दूसरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कितना एवरेज होंडा में निकलता है, ठीक है, एक सिलेंडर, आई मीन जितनी भी गैस हम लास्ट में भरवाएंगे उतने पर। तो चलो इस जर्नी में आप बने रहिए मेरे साथ। बाकी हाँ, मैं सो सीएनजी लगवाने के बाद ये गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर चला दी है। तो अगर आप वो जानना चाहते हो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा 40,000 किलोमीटर में, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कितनी सीएनजी मैंने बर्न की है 40,000 किलोमीटर चलाने में, वो भी मैं बता सकता हूँ। और अगर कितना पेट्रोल बर्न होता अगर मैं गाड़ी पेट्रोल पर ही चलाता 40,000, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सो देट आपको एक क्लियरिटी आएगी कि आपकी अगर रनिंग मेरी तरह ज्यादा है तो आपको जाना चाहिए सीएनजी पे या नहीं जाना चाहिए। तो चलो फटाफट अपनी जर्नी कवर करते हैं, क्योंकि यार मैं ऑलरेडी बहुत लेट चल रहा हूँ अपने फ्रेंड की शादी के लिए। तो वहां पहुंचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जी अपना आ गया है सामने सेकंड टोल, और ये जो टोल है वो गढ़ मुक्तेश्वर का है पॉइंट, और अभी 19.6 हो चुका है और ये गढ़ मुक्तेश्वर मैं पहुंच चुका हूँ। अब डिस्टेंस कितना कवर करा है हमने वो भी बड़ा मजा आता है ब्रेकर पे ना ऐसे झूलने में, फील्स आ जाता है एकदम। अरे भाई साहब इंगे को दिखा दो। हाँ जी, कितना कवर कर चुके हैं हम, कर चुके हैं ऑलमोस्ट 81 किलोमीटर्स, और अभी हमारा डिस्टेंस यहाँ से बचा है 75 किलोमीटर, 69 किलोमीटर है। क्या कर रहा है भाई, मजाक कर रहा है क्या? अभी देखा अपने 75 दिखाया साढ़े ने और अब 69 कर दिया, जय हो गूगल माता की। तो चलो फटाफट यहाँ से टोल पे करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। अपना टोल हो गया पे और अपने को मिल गई है ग्रीन लाइट, और अब फटाफट यहाँ से खींचनी है। मुरादाबाद बोर्ड पे अगर आप देखोगे तो 70 दिखा रहा है अभी, और अपने को भी 68 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मतलब ये बोर्ड और लोकेशन हमारी लगता है सेम ही जगह है ऑलमोस्ट। तो चलो मैसेज भी आ गया है, 95 रुपीज़ का ये टोल था गढ़ मुक्तेश्वर वाला। तो चलो फटाफट खींचते हैं, आई मीन खींचते नहीं यार, 80 पे जाना, तमीज से जाएंगे मजे से, और फिर फटाफट पहुँचते हैं। सो जितने लोग मेरी फैमिली में ऐड है, मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, अगर एक हेलमेट आप अपने लिए खरीदते हैं ना, तो एक हेलमेट अपनी वाइफ या जो आपके साथ जो भी को पायलट रहेगा उसके लिए भी खरीदो, क्योंकि यार लाइफ दोनों की बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को समझो। एक ना समस्या है, अभी मुझे आप देख सकते हो 51 मिनट है पहुंचने में और मुझे लग रही है भूख। अब शादी में जा रहा हूँ यार, वहाँ भी ठूसने को मिलेगा और भूख भी लग रही है, अगर अब खा लूँगा तो शादी में नहीं खा पाऊँगा, तो मुझे ना बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करते हो वो मेरे को ज़रूर बताना। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हल्का फुल्का ना टिका लिया जाए, क्योंकि यार ये 51 मिनट कटने वाले हैं नहीं, तो रास्ते में कुछ भी आएगा तो फटाफट कुछ पकड़ते हैं, आई मीन मतलब कुछ लेते हैं और उसको खाते हैं और फिर आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो कहीं रुकता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। सो मुझे बर्गर किंग तो दिख गया है, बट यार ये रोड क्या है भाई, ये जाऊँगा कैसे इधर यार, ये तो उन्होंने मजाक कर दिया मेरे साथ, जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब अब मैंने फॉर्चुनर तो ले नहीं रखी है, ना ही थार ले रखी है जो मैं इस पर चढ़ाऊंगा। मतलब ऑप्शंस तो बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं वहाँ पे, वो मैक डी भी दिख रहा है, बट यार इसके लिए रास्ता कहाँ से निकलेगा? अबे यार ये तो KLPD हो गई, इधर हवेली भी है बट रास्ता किधर है बाबू? फक है शायद, है शायद ये रास्ता है। ओहो हो, नहीं रास्ता है ना ये, रास्ता है नहीं है, है नहीं है, चलो हो जाएगा, बन जाएगी बात। हाँ 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 चलो आ तो गए हैं चढ़ चढ़ा के कैसे करके। अब यार ये मैगडी दिख रहा था मुझे, हाँ मैगडी वो रहा। तो फटाफट ना मैगडी से काम करते हैं, कुछ पकड़ लेंगे यार। अच्छा यार बहुत ऑप्शन है यहाँ तो भाई, बढ़िया बढ़िया हिसाब किताब है, मतलब CCTV है यहाँ पे,
ठीक है, और मैकडी भी है, बीकानेर भी है, और बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो चलो फटाफट एक बर्गर पकड़ते हैं इनसे, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये टाइम लेंगे। ओह वाओ, दिस इज नाइस यार। सो जी, मैंने पकड़ लिया अभी एक मैक वेजी, और गाड़ी अपनी वो रही सामने, तो फटाफट एरा मैकडॉनल्ड्स। तो आप भी अगर कभी भी मुरादाबाद हाईवे पे हैं तो ये पड़ेगा आपका गजरौला के पास, आप भी अगर कुछ हल्का फुल्का खाने का मन है तो आप खा सकते हैं गाड़ी के अंदर आ गए। फटाफट अब स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बाकी सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हार्डली 5 मिनट लगे मुझे। उन्होंने एक मशीन लगा रखी थी, उसकी वीडियो मैं अभी ऐड कर देता हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। उसमें क्या है, सिंपल आपको बस जो भी आपको ऑर्डर करना है बस ऐड टू कार्ड करो और सिंपल प्लेस करो, यूपीआई करो, वहाँ पे एक स्कैन कोड जनरेट होता है उसको स्कैन करो, और नॉर्मली जैसे आप यूपीआई करते हो वैसे यूपीआई कर सकते हो। मतलब हार्डली 5 मिनट मुझे लगे, 2 मिनट पेमेंट में और 3 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया है, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फटाफट अब यहाँ से निकलते हैं, 8:32 होते हैं हो गए हैं, और फटाफट अपनी जर्नी को आगे कवर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी मुझे आगे कट तो दिख नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा रॉन्ग साइड ले ली, सो दैट मैं यहाँ से ही निकल जाऊंगा। मतलब रॉन्ग साइड क्या, सर्विस लेन पे मैंने लिए, और अब यहाँ से हम सीधा लग जाएंगे वही हाईवे पे जिस पे हमें जाना है। बर्गर अपना इधर पड़ा है, और अब फटाफट इस रास्ते को कवर करते हैं। आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, एक एक बाइट जैसे मेरे अंदर जा रही है ना पेट में, मैकडी वालों के लिए दुआ निकल रही है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा भूखा था ना यार, मतलब क्या बताऊं यार, इतना सुकून मिल रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है ऐसे मैं 10 बर्गर खा सकता हूं अभी, इतनी ज्यादा मुझे भूख लगी है। बट भाई मजा आ गया, कुछ भी कहो मजा आ गया। तो चलो आप इस वीडियो में बने रहना, अब चलते हैं, अब सीधा वहीं मिलूंगा मैं आपको। सो जी, अपना ये तीसरा टोल आ गया है अमरोहा का, 19.7 का अभी तक, सॉरी जोया, यस, अपने को फिर से ग्रीन बत्ती मिल गई है, और 19.7 किलोमीटर, सॉरी 19.7 का एवरेज अभी दिखा रहा है, और 34 किलोमीटर बचा है, और 34 मिनट का ही टाइम दिखा रहा है, और यहाँ कुछ पुलिस वाले जी खड़े हैं, ये पता नहीं किसने खड़े, वो तो मुझे नहीं पता। तो चलो फटाफट हम अपनी जर्नी आगे भी कंटिन्यू करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर ऐसी बकवास में करता रहा तो। आपका पर्पस, सॉरी मेरा पर्पस है आपको ये दिखाना कि होंडा सीएनजी में कितना एवरेज निकालती है, तो उस पर फोकस करते हैं। तो चलो मिलते हैं आगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो जोया वाला टोल है ये है 65 रुपीज का, तो मतलब कि अगर आप अपनी जर्नी दिल्ली से शुरू करते हैं या वैशाली से शुरू करते हैं तो पहला टोल पड़ता है 156 रुपीज का, दूसरा पड़ता है 95 रुपीज का, और तीसरा टोल पड़ता है 65 रुपीज का। अब इसके अलावा अगर कोई और टोल पड़ेगा तो भाई मैं जरूर बताऊंगा। और बहुत देर से यार मैं कॉन्स्टेंट 80 चला रहा हूँ, और वो सामने आपको एक बस दिख रही होगी, एक से भी नहीं, तो जूम आउट हो गया ये वाली, और मैं सोच रहा हूँ यार मैं अब इस बस को पकड़ूंगा, और मैं एक बार देखना चाहता हूँ उसमें लाइट्स जो लगी हुई है वो कैसी है। पर मैं 80 से ऊपर इसलिए ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि मुझे एवरेज भी निकाल के आपको दिखाना है, इसीलिए मैं 80 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा। बट यार 2 मिनट आप मेरे को दे दो प्लीज़, ठीक है, और मैं मान रहा हूँ आपने मुझे यस दे दिया है, गो अहेड दे दिया है, क्योंकि मैं वो बस पे देखना चाहता हूँ लाइटिंग कैसी है यार, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है, देखो सामने जो जा रही है। तो चलो खींचते हैं और फिर एक बार देख लेते हैं जरा कि कैसी लाइटिंग है वो। सो बस खींचने का सिलसिला खत्म, और जी अब ये बस देखो आप यार, मतलब कमाल नहीं कर रखा है।
कहता है रंगीन हो रहा है भैया, देख रहे हो ब्लू पिंक ग्रीन येलो सब कलर रखे हैं चौधरी साहब की तो भैया कतई जहर लग रही है बस, क्या बोलते हो? तो चलो जी, अभी भी अभी अपना डिस्टेंस 12 किलोमीटर के आसपास बचा है और फटाफट से इस रास्ते को भी कवर करते हैं और मिलते हैं। और जो लोग मुरादाबाद से, उन्हें पता होगा कि TMU यहाँ की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। तो चलो फटाफट खींचम खाच बचाते हैं और पहुँचते हैं। और अभी 19.7 आ रहा है, रोजा भाई जू फोकस फोकस फोकस, 19.7 का भी आ रहा है एवरेज निकल के। तो चलो रास्ता कवर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो लोकेशन यहाँ पे आके एंड हो गई है और मुझे लगता है शायद यहीं कहीं होगा जो बैंकेट हॉल है, तो वो ढूंढते हैं। बाकी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी 19.8 दिखा रहा है ये गेट की एवरेज आ रहा है। और अभी भी देखेंगे आप तो दो सेल बाकी है। अरे यार फोकस ले ले, दो सेल बाकी है। और अभी जो गाड़ी टोटल चली है वो चली है 149 यानी 150 किलोमीटर के आसपास। तो चलो फटाफट लोकेशन ढूंढते हैं और पहुंचते हैं यार, वैसे ही मैं बहुत लेट चल रहा हूं। तो मिलते हैं आपसे आगे। सो जी टाइम हो गया है 12:05 और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं अपने दिल्ली के लिए वापस, हम मतलब मैं। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, मैं टाइम दिखा भी देता हूँ आपको। 12:05 हो गए और एक बार गाड़ी का इग्निशन ऑन करके भी दिखा देता हूँ। 149 जो मैंने लास्ट रिकॉर्ड कराया था आपको, और 19.6, अब देखते हैं कि कितना आता है एवरेज निकल के। तो चलो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर ही दोबारा से होनी चाहिए, तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर CNG फुल कराएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। आगे गाड़ी जा रही है, ये मेरे एक फ्रेंड की गाड़ी है और ये हमें जोया तक हमारे साथ जाएगा, क्योंकि भाई अमरोहा रहता है। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊँगा और ये अपने अमरोहा के लिए निकल जाएगा जोया से। तो चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं। जी उधर से तो मैंने 80 ही चलाई थी, बट इधर से मैं 90 भी चला रहा हूँ, 100 भी चला रहा हूँ, क्योंकि यार अब घर पहुँचना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी नहीं, थोड़ा सा टाइमली पहुँच जाऊँ तो थोड़ा सा सो लूँगा, सो दैट कि सुबह ऑफिस भी कर जाना है ना यार, थोड़ा सा क्लोजिंग का टाइम है और मैं सेल्स में हूँ एक्चुअली। तो चलो देखते हैं कि अगर 90-100 भी जाते हैं और एक तरफ 80 मेंटेन करते हैं तो क्या कंक्लूजन करके देखते हैं कि कितना निकलेगा। ठीक है, जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं 100 की हाईवे अच्छा है तो 100 पे क्रूज कर रहा हूँ, देख सकते हो आप। तो देखते हैं एक बार कि कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, बट मुझे फिर भी जो लग रहा है ना, मतलब देखो अभी वैसे 19.3 अभी भी ओडोमीटर में दिखा रहा है, बट मुझे लग रहा है कि 20-21 के आसपास तो आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। बाकी तो अभी जब वहाँ पहुँचेंगे एक बार फिल कराएंगे तब देखते हैं कि कितना क्या रहता है। सजी मैं हो रहा था एक्चुअली बोर, 80 चला चला के ना गाड़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना फोन उठाया जाए और आप लोगों से बात की जाए। तो अभी तो मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, अभी मैं पहुँच चुका हूँ अमरोहा, और यहाँ से ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस रहेगा अभी, एक सेकंड बता देता हूँ मैं आपको, ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स और है अपना घर। अभी आराम आराम से चल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि एवरेज भी निकाल रहे हैं। CNG का जो एक सेल है वो सिर्फ अभी एक बचा है, ठीक है, और गाड़ी अपनी चल चुकी है अभी 180 किलोमीटर्स। तो कह नहीं सकता यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इस पूरे सिलेंडर में हम घर तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, बट मुझे होप है कि हाँ हम पहुंच जाएंगे। अब पहुंचते ना पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते वो तो आपको पता लग ही जाएगा। बाकी हाँ रोड्स बहुत अमेजिंग है, ठीक है, ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है और रश रोडों पे है नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो यू कैन सी कि रोड्स बहुत बहुत अच्छे हैं और रश भी देख सकते हो आप, नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये ट्रक्स तो यार आपको मिलेंगे ही हाईवेज पे, ठीक है, बट उतना फिर भी नहीं है और मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। अभी 80-85 के आसपास मैं क्रूज कर रहा हूँ और टाइम देख सकते हो आप, 1:02 हो चुके हैं। अपना जो फ्रेंड था उसको पीछे टाटा बाय बाय कर दिया क्योंकि उसको सिर्फ अमरोहा तक ही जाना था, अपन को तो भाई बहुत दूर तक जाना है। तो चलो जी, आपने बहुत सपोर्ट किया है
थ्रू आउट, ठीक है। एक एक वीडियो मुझे बनानी है यार, क्योंकि एक वक्त मैंने वो भी देखा है ना जब मेरे 25-26 सब्सक्राइबर होते थे और वो नंबर बढ़ ही नहीं रहा था। आज आप लोगों की सपोर्ट से मतलब हम 14,500 के आसपास पहुंच गए, तो चलो उसके लिए भी एक थैंक यू वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी मीनवाइल आप बने रहो, टोल अपना आने वाला है जो कि था जोया वाला टोल, तो टोल पे फटाफट पैसे कटवाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। जी टाइम हो रहा है 1:40 एंड हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रज घाट। ब्रज घाट जो है एक गंगा जी है, ठीक है, जो मतलब आई थिंक हरिद्वार वाली ही गंगा जी है जो यहाँ तक आती है। मैं आपको, मैंने सोचा मैं ऊपर से दिखा दूँ, अभी तो आपको ऐसे सच कुछ मिलेगा नहीं, तो मेरा मन था थोड़ा सा रुकने का ना। बड़ा अच्छा सा लगता है ना यार अगर आप ऐसे प्लेसेस पे जाओ ना, और मुझे ना मतलब पानी और ये नदी का किनारा ये सब चीज़ें ना बड़ी पसंद है, बड़ा पीसफुल होता है। आप देखो वहाँ पे लोग अभी भी रात में मेहनत करते रहते हैं, ये शायद सफाई कर रहे हैं, बट बहुत सुंदर है। और ये रहा अपना हाईवे, तो 5-10 मिनट रुकते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये रही अपनी गाड़ी, तो चलो चलते हैं, मतलब यहाँ बैठते हैं 5-10 मिनट फिर निकलेंगे। 2-3 मिनट रुका और फिर आ गया, क्योंकि मेरी तो कुकड़ी जमने लगी यार। भाई साहब सही 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 माहौल था, मतलब सही ठंड पड़ रही थी यार। मतलब गंगा के किनारे ना मतलब मजा ही अलग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब 10 मिनट गुजारो यार, मजा आ जाएगा सीरियसली। एक तो पता है ठंड और उतना पीसफुल था ना, वो मजा आ गया। तो चलो फटाफट अपनी अपनी जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। की 2:38 होने वाला है और अपनी गाड़ी में नीचे आ गई है रेड लाइट। रेड लाइट का मतलब होता है बेसिकली कि सीएनजी की बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रही है, ठीक है। अभी बीप नहीं आई है, इसके बाद बीप भी आएगी, ठीक है। उसमें मतलब होता है कि सीएनजी बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है, बट हाँ अभी रेड लाइट आ गई है और अभी 237 किलोमीटर आ गए। अभी भी हमारा घर ऑलमोस्ट 64 के आसपास है, तो अब देखते हैं कि 64 किलोमीटर इतने में ही कवर होता है या नहीं होता है। तब तक आप इस ब्लॉग में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूं कि विच इज द बेस्ट वन। यू कैन सी कि हम 274 किलोमीटर आ गए हैं और अभी भी रेड लाइट पर ही चल रहा है। बीप अभी तक नहीं आई है, बीप का मैं होप कर रहा हूँ कि ये शायद मतलब जब तक बीप आएगी तब तक शायद मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, जो डेस्टिनेशन आई मीन जो सीएनजी पंप है। अब देखते हैं यार, मतलब सही वाली बात बताऊँ तो मैं बहुत मेंटेन करके चला रहा हूँ 70-80 सो दैट कि मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि अगर आप लाइट फुट चलते हो तो एक सिलेंडर में कितना किलोमीटर ये खींच पाता है, ठीक है। तो सेम ही मेंटेन की हुई है और अभी भी हम रेड लाइट पर ही चल रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हार्डली 15 किलोमीटर और बचा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग पहुँच जाएंगे। बट यार मैं ना लास्ट में एक बात बोलूँगा इस वीडियो के, वो ज़रूर देखना, मतलब मैं सही बताता हूँ कि मैं लास्ट में ही बोलता हूँ, अच्छा ठीक है। तो चलो आप इस वीडियो में बने रहो। किलोमीटर हो चुके हैं 302.5 या 303 भी आप कंसीडर कर सकते हैं। टाइम हो चुका है 2:59 एंड अभी भी हम रेड लाइट पर ही हैं। बीप अभी तक नहीं आई है, मतलब मुझे अभी ऐसा लगता है ये गाड़ी 20-25 किलोमीटर और चल सकती है और हम पहुंच चुके हैं सीएनजी पंप पे। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है, तो चलो अपने नंबर का वेट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि कितनी सीएनजी कंज्यूम की है गाड़ी ने अगर हम 80 या 90 पे क्रूज करते हैं, ठीक है, तो कितने सीएनजी कंज्यूम करेगी गाड़ी 300-350 किलोमीटर के लिए। तो चलो टाइम आ गया है अपनी कार में सीएनजी फिलअप कराने का और ये रहा मीटर, अभी जब स्टार्ट होगी तो जीरो हो जाएगा। नागरिक
साहब बुद्धि घुमाने वाले रिजल्ट आए। चलो पहले ना हम अपना पैसा पे। भाई साहब बुद्धि घूम जाएगी आपकी। मतलब मैं तो 2 मिनट को सदमे में चला गया हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। आप ये देखो, अच्छा देखो कितने रुपए लिखे हैं इस पे। ओहो रुको बैक कैमरा करता हूँ, देखना जी कितने रुपए की CNG आई है। 662 रुपए की। अब देखो जरा कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, 302 303 मान लो जी। और देखना जी अब CNG हो गई है फुल। अब देखो आप अगली वाली क्लिप, ये हमारे में गैस आई 8.1 kg और गाड़ी चली है टोटल 302। अब जरा डिवाइड करते हैं 302 / 8.1। भाई साहब मान सकते हो? अगर मान सकते हो तो कमेंट करके बताना। मतलब मैंने वेगनार का 32 का तो सुना था यार, ये 37 का एवरेज। आई मीन सीरियसली 37। फिर से कैलकुलेशन करूं क्या, गलत तो नहीं कर रहा हूं ना मैं? 303 डिवाइडेड बाई कितनी, 8.1 किलोमीटर। भाई साहब मतलब मुझे ना 2 मिनट को चक्कर आ रहे हैं। और अगर मैं उसके प्राइस के हिसाब से देखूं तो 662 / 2.19 रुपए पर किलोमीटर पड़ा है मुझे, 2 रुपए 19 पैसा। कैन यू इमेजिन? ओ भगवान, सही है यार। चलो यार बहुत लेट हो गए हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मार्क कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मैंने ये गाड़ी ऑलमोस्ट 42,000 किलोमीटर CNG पर चला ली है, ठीक है, जब से मैंने इंस्टॉल कराई थी। तो अगर उसका टोटल एक एक्सपीरियंस आपको जानना है कि मतलब मैंने कहाँ से इंस्टॉल कराई, कितना खर्चा आया और क्या मेरे पे मतलब क्या मुझे कोई परेशानी हुई या जो भी टोटल एक्सपीरियंस है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और हाँ भाई मैं आपको एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ कि मतलब यार जो लोग 80 गाड़ी चलाते हैं एवरेज निकालने के लिए या फिर माइलेज निकालने के लिए, उनको भाई साहब मेरा सत प्रणाम है। प्रणाम मतलब हाँ प्रणाम हाँ नमन है एक्चुअली में, ठीक है, मतलब सल्यूट है यार आप लोगों को, क्योंकि मैं आज पागल हो गया एवरेज निकालने के लिए। मैंने 80 गाड़ी चलाई है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं थर के रहा हूँ भाई, लोग मेरे को ऐसे जा रहे सू 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 सौ सौ करते हुए। मैंने कहा यार मैं क्या चला रहा हूँ, 100 की लिमिट है 80, और कुछ लोग तो मेरे को ऐसे भी देख रहे थे। तो मतलब सल्यूट है यार आप लोगों को। तो बट मैंने आप लोगों के लिए ये सारी वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप 80 पे क्रूज करते हो, लाइट फुट रहते हो, तो होंडा भी एक बहुत बहुत अच्छा एवरेज दे सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मारुति ही बहुत अच्छा एवरेज निकालती है। तो अगर आपकी गाड़ी में CNG नहीं है और आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है मेरी तरह, मतलब मेरी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर डेली की रनिंग रहती है, तो अगर आपकी रनिंग भी इतनी है तो आप भी प्लीज CNG इंस्टॉल कराओ। अब एक साल में मेरा कितना एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं कोशिश करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो बनाने की। बट मीनवाइल मैं इस वीडियो में अलविदा लेता हूं। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए गुड नाइट।